भाजपा के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा समेत 40 अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मामले पर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार इस मामले को राजनीति से प्रेरित बता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा लीडरशिप ने इस मामले को कांग्रेस पार्टी व विधायक अमित विज की दोगली पॉलिसी बताया। भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शर्मा व विधायक दिनेश सिंह बब्बू की अगुवाई में पठानकोट मल्टी कॉम्प्लेक्स में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा लीडरशिप ने कांग्रेस व विधायक अमित विज को आड़े हाथों लिया। पंजाब पुलिस ज्यादतियां बधीकियां कर रही है। कोरोना वर्गी महामारी च भी वो चुप करके नहीं बैठी, पंजाब पुलिस भी और कांग्रेस भी। कांग्रेस आपे जलसा जलूस कटे तो कोई गल नहीं, और जे बीजेपी करे उदे प्रदेश अध्यक्ष करे तो एकदम परचा जड़ा जी करता गया 40 आदमियों से कि वह मीटिंग कर रहे हैं। आदमी उस मीटिंग 10 मौजूद ने तो परचा करता 40 से मौजूद। ये दो प्रकार का कानून हिंदुस्तान च नहीं चल सकता। कोरोना महामारी कांग्रेस भी इको जी है, बीजेपी लिए इको जी है, कांग्रेस भी इको जी है, कम्यूनिस्टा भी इको जी है, अकालिया भी इको जी है, इन्हें लिहाज थोड़ा करना है। सो तुम वितकरा करो, चुन करके किसी आदमी के खिलाफ परचा कर दो, कोरोना की महामारी का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी इस गल को बर्दाश्त नहीं करते। इस करके जिला प्रधान की अध्यक्षता च अज ये धरना एज ए प्रोटेस्ट असी शुरू किया है। इसके बाद असी SSP एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि गलत परचा रजिस्टर किया है, इस तरह की रवायतें ना पाओ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोधी पार्टी रह करके इस देश की लोकतंत्र की रक्षा कर रही है। मैं यही प्रेस के मित्रों को बेनती करना चाहना, सारे म्यूनसिपल कमिश्नर आए हैं, दोनों साढ़े MLA साहब आए हैं और वह धरने से बैठे ने, डिस्टेंस रख करके बैठे हैं। सारे प्रेस के मित्रों की बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। पब्लिक मीटिंग कर 150-200 बंदा लैके कोरोना वर्गी महामारी के विच किसी तरह का कोई कोरोना की जरा पैंडमिक लॉ लगेगा वह कोई उलंघना नहीं हैगी। जो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता करे तो और उत्ते एक मिनट तो पहले FIR दर्ज करवा देंगे। शहर के लगातार कानून व्यवस्था ठप है, चेन स्नेचिंग हो रही है, दुकाना लुटिया जा रही है, वो इन्हों को 200 साल जे बंदे नहीं पकड़े जाते, ना कोई FIR दर्ज होती है। बड़ा बड़ा एक जरा धक्का परसों जरा राती इन्होंने साढ़े पंजाब के अध्यक्ष उत्ते एक FIR करवाई है, और 40 जे कार्यकर्ता साढ़े पार्टी के जेडे सीनियर नेता उन्होंने उत्ते किया, असं उसका कड़ा विरोध करते हैं। असं एक मंग रखते हैं कि भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मीटिंग या वो अपने दुख सुख साझ करने वास्ते जो 10 बंदे इकट्ठे होंगे तो FIR देंगे हो, तुम जेडे पार्टी के कैबिनेट मंत्री 200 बंदा लैके MLA जरा 150 बंदा लैके फिर उन्होंने उत्ते FIR कर देते। असि कड़ा विरोध करते हैं, इन्होंने अगाह करते हैं कि दोहरी पॉलिसी नहीं चलती, नहीं तो जिले के बच्चे हजारों जड़े कार्यकर्ता है वह सड़कों के उत्तर आके तो फिर तुम रोज 1000 बंदे के उत्ते FIR दो। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए,
उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।